हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड कंपनी के बारे में। ये एक बाइक कंपनी है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो दोस्तों अगर चाहते कि यहाँ पे काम करना या अप्लाई करना इसका जो जॉब है, तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं जान सकते कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा सब कुछ। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा आप लोगों को पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसका जो ऑफिशियल पेज है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं इसका जो लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, करंट ओपनिंग जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट या कंट्री सिटी करके सर्च करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप वो भी करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वो भी करके सर्च करेंगे आपका जो डिटेल्स है, ऑल जो पोस्ट निकला हुआ है आप वो नहीं देख सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है मैनेजर एंड टीम मैनेजर मार्केटिंग टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद है मैनेजर रिटेल अकाउंटिंग, उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर सैप टेक्नोलॉजी सपोर्ट ABAP प्रोग्रामर सीनियर एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर मार्किंग राइडर्स एंड कम्युनिटीज एक्सेलेंस, उसके बाद है टीम मैनेजर जेनुइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर एरिया सेल्स मैनेजर। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो कि आपके सेल्स मार्केटिंग बहुत सारे जॉब यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे है डिवाइडेड कर दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो कि कंट्री में आज इसका जो जॉब है अवेलेबल है, इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में यहाँ पर इसका जॉब का लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे सिटीज़ में इसका पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई करना, आप लोगों के लिए एक एडवांटेज रहेगा कि यहाँ पर आपका सैलरी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव कंपनी है, यहाँ पे इसका जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलता है आप लोग सभी जानते हैं। तो इसके लिए मेरे को लगता है आपका जो सैलरी रहेगा आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना हो। तो आप लोग देख लिया है यहाँ पे जो बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है, आप उन लोगों पोस्ट के लिए अगर आपका क्वालिफिकेशन जो है, आप उन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो यहाँ पे पोस्ट है, आप उस पोस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको मैनेजर एंड टीम मैनेजर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी जिस पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से अप्लाई कर सकते। तो इसका जो यहाँ पे जो पोस्ट है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, इसका मैं ओपन कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते इसका जो डिटेल्स है यहाँ पर चला आया है। डिपार्टमेंट है ब्रांड स्ट्रेटजी, फंक्शन है ग्लोबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट एंड फंक्शनली जो है हेड, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है हेड, रिपोर्टेड जो है जीरो, एंड लोकेशन जो है यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा इसका लोकेशन रहेगा आपका जॉब लोकेशन। तो जॉब कंटेंट्स एंड पर्पस, आपका जो रोल रहेगा आपका जॉब में उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। एज द मार्केटिंग टेक्नोलॉजिस्ट फॉर द रॉयल एनफील्ड, यू विल बी पार्ट ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी
एंड रिपोर्ट टू द हेड ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी. द पर्पस ऑफ दिस रोल इज टू एक्ट एज द लायनेशन बिटवीन बिजनेस एंड आई टी, आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट एरियाज अक्रॉस द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंटरफेस एंड प्रोवाइड सल्यूशन एंड इनहैंस कस्टमर एंगेजमेंट अक्रॉस इन सर्च इन स्टोर एंड इट was in use. So the role will combine business savviness, common sense with deep technical expertise to provide actionable insight and deliver business result. उसके बाद बात करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दोस्तों आपको यहाँ पे आईटी सेक्टर के बैकग्राउंड आपका चाहिए, आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए. तो जो लोग बीटेक कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के लिए. तो मैं अभी आप लोगों को एक ही बात बताऊँगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है. तो दोस्तों जो लोग इंजीनियरिंग एंड आईटी जो कि डिपार्टमेंट से जो बिलोंग करते हैं इसका आपके जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है. एडिशनल डिटेल्स जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बीटेक चाहिए इंजीनियरिंग. तो इसके साथ साथ आपका 5 या 7 इयर्स का जो एक्सपीरियंस चाहिए इसका टेक्नोलॉजी के, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ जो कि यहाँ पे लिखकर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा. इसमें क्लिक कर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है. इस फॉर्म के आपको आपका फर्स्ट नेम जो है आपको यहाँ पे देना होगा, उसके साथ साथ आपका लास्ट नेम, आपका वैलिड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है काम करने के वो भी यहाँ पे देना होगा. आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपको ये भी देना होगा. इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट से आप कंप्लीट कर चुके आपका बीटेक, आपको वहाँ इसका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा. सेकेंडरी क्वालिफिकेशन जो है आपका देना होगा, उसका भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देना होगा. इसके साथ साथ आपका करंट डेजिग्नेशन जो क्या है आपको यह देना होगा. की स्केल आपका क्या है आपको यह भी देना होगा. करंट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री से आप देखना चाहते हैं आपको देना होगा. अपलोडेड रिज्यूम, तो दोस्तों आपको एक रिज्यूम जो कि यहाँ पे देना होगा. आप लोग जानते हैं कि रिज्यूम है वायरल सीवी जो कि सेम ही होता है. आपका रिज्यूम जो है अपडेटेड रिज्यूम आपको मैं अभी बोलूँगा कि आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है आपको यहाँ पे आपको देना होगा. देने के बाद आपका एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा. उसके बाद आपका सबमिट कर देना होगा आपका जो एप्लीकेशन है. तो दोस्तों एप्लीकेशन जो कि सबमिट कर देने के बाद कुछ ही दिन में आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. उसके बाद आपका जो कि इंटरव्यू देना होगा. अगर इंटरव्यू के क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका ये जॉब मिल जाएगा. तो दोस्तों इस तरह से आप ये रॉयल इनफील्ड के बहुत सारे और भी पोस्ट है, आप चाहते हो तो आप लोग उस पोस्ट के भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह से. तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इसके साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा. थैंक यू फ्रेंड्स.